नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज मीडिया। चलिए जानते हैं देश और दुनिया के 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी दे सकते हैं इस्तीफा, पीएम मोदी से की बात। स्पाइस जेट फ्लाइट में पैसेंजर ने एयर होस्टेंट के साथ की बदतमीजी, आरोपी और साथी पैसेंजर को विमान से उतारा, एयरपोर्ट सिक्योरिटी के हवाले किया। बिहार में फिर जहरीली शराब से 8 की मौत, 6 की आंख की रोशनी गई। थाना अध्यक्ष सस्पेंड, सैनिटाइजर के लिए मंगाई स्प्रिंट से बनाई शराब। महाराष्ट्र से अंधविश्वास कानून हटाने की मांग, नासिक के संत समाज की दूसरे धर्मों को चुनौती, चमत्कार साबित करे 51 लाख देंगे। जजों को कोई चुनौती नहीं लड़ना पड़ता, इसका मतलब ये नहीं कि जनता देख नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर बोले कानून मंत्री। केरल हाई कोर्ट ने सरकार को 3 महीने के भीतर नर्सों के न्यूनतम वेतन की समीक्षा करने का दिया निर्देश। बिहार में सरस्वती पूजा कमेटी को लेना होगा लाइसेंस, अश्लील गाना बजाने पर होगी कार्रवाई। बाबा नगरी से झारखंड सरकार के खिलाफ बीजेपी का उलगुलान, चाईवास और राज्य महल सीट पर फोकस। कोरोना के बीच नोरो वायरस से हड़कंप, केरल के स्कूल में 19 बच्चे संक्रमित। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने मांगा लोगों का साथ, सुभाष चंद्र बोस का भी किया जिक्र। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के चार्टर प्लेन का देहरादून में इमरजेंसी लैंडिंग, होटल में गुजारनी पड़ी रात। जेपी नड्डा की पार्टी नेताओं को 2-2 का, ज्यादा हवा में न उड़े एमएलए, नहीं नेता बनने की सोचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, 11 छात्र सम्मानित। उड़ीसा में पर्यटक बस के पुल के नीचे गिरने से 2 की मौत, 33 घायल। कर्नाटक हिजाब मामले के लिए 3 न्यायाधीश की बेंच का हो सकता है गठन, शीर्ष कोर्ट ने कही यह बात। सीएम ममता ने कसा पीएम मोदी पर तंज का, नाम कमाने के लिए कर रहे द्वीपों का नामकरण। सरकार ने लॉन्च किया यूबीन प्लेटफॉर्म, गर्भवती महिला और बच्चों का टीकाकरण कराना होगा आसान। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को राहत जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील की खारिज। गहलोत का केंद्र पर तीखा प्रहार का, जहां बीजेपी की सरकार वहां हो रहा ज्यादा घोटाला। कोरोना से थर्राया दक्षिण कोरिया, अब तक वायरस ले चुका 33,325 लोगों की जान, 3 करोड़ हुए संक्रमित। तो कैसी लगी हमारी जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताएं, साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।